मॉर्निंग गाइस, आज है डे टू ऑफ द लेह लद्दाख ट्रिप। फिलहाल तो अभी हम मनाली में ही हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं लेह के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और प्रॉब्ली शाम के 7 बज जाएंगे लेह पहुँचते। और ये वाला ब्लॉग पिछले वाले ब्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं था, तो बताया था कुछ 15 घंटे लग गए हमें दिल्ली से मनाली आने में। लैंडस्लाइड, बारिश, सब कुछ देख लिया है। और आज भी अगर आपको दिखाऊं तो पता नहीं यहाँ से दिख रहा होगा, पर बाहर मौसम आज भी ख़राब है, बारिश हो रही है, तो हमें फिर से सारा रेनकोट डालकर निकलना पड़ेगा। तो आगे का अपडेट मैं आपको आई थिंक जिस्पा में अगर या कीलोंग हम शायद रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ से दे पाऊँ। और सर जी, इस वक्त कहाँ हैं हम? कहाँ हैं हम बताओ जल्दी। गाइस, अभी हम कीलोंग में टांडी में पेट्रोल भरा और वहाँ देखो साइड में 5 लीटर और लटका भी लिया है। और सुजीत ने कहा है कि अगर बाइक बंद हो जाएगी वो धक्का देके मुझे ले पहुँचा देगा। फिलहाल यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, ये रहा हमारा ब्रेड ऑमलेट और एज यूजुअल सुजीत बाल भी करने लगा हुआ था। भाई अब वीडियो पे आना है, थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है ना। बाल देख लो अपने सुजीत कैसे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा। अब हम यहाँ से डायरेक्ट शायद वहाँ रुकेंगे बारालाचा पास पे, तो वहाँ से अपडेट देंगे आपको। गाइस, हम अटल टनल एंटर कर चुके हैं। ये इस साल सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं इस टनल में। लास्ट टाइम जब मई में आया था मनाली, तो अटल टनल क्रॉस करके अपन जिस्पा गए थे और वहाँ से वापस हो गए थे। तो यहाँ पर अभी ये देखो भाई, सुरजीत भाई भी फुल पैक्ड है। मतलब हमने पूरा तैयारी कर लिया कि अगर बारिश भी हो तो भी कोई हमें कहीं रुकना ना पड़े। सो हमने टनल क्रॉस कर लिया, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए भाई। बेस्ट पार्ट ये है कि टनल के उस साइड बारिश थी और इधर कोई बारिश नहीं है, थैंक गॉड बारिश नहीं है, तो इसलिए जाने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने अब अपना इंस्टा 360 भी आगे लगा लिया है और गोप्रो भी माउंट तो कर ही लिया है। इवन दो वाटर प्रूफ हैं, पर हाँ यार बारिश होती है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कहीं ख़राब हो जाए, वैसे भी बहुत महंगे आते हैं। और टनल के बाद का जो व्यू है बहुत ही अच्छा चेंज हो जाता है। स्पेशली लास्ट टाइम भी अपन इसी रूट से जिस्पा तक गए थे, दारचा तक गए थे, एक्चुअली जिस्पा भी नहीं उसके आगे तक गए थे। बस ये टर्न्स पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये देखो कहीं भी बारिश कुछ भी वाटरफॉल टाइप का कुछ ना कुछ मिलते रहता है रास्ते पर। और अब हम दारचा क्रॉस कर गए। दारचा पे मैंने कुछ शूट नहीं किया कि वहाँ लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने अब आपको। और ये देखो सुरजीत भाई को हॉर्न मार रहा हूँ कि उनका पीछे का कवर जो बैक का कवर है वो बाहर निकल रहा है और निकल जाएगा पूरा, पर भाई सुन ही नहीं है रहा। आई थिंक अब शायद वापस से हॉर्न मारता हूँ, आई थिंक अब रुकेगा वो, होपफुली रुक जाए वरना उसका जो कवर है उड़ जाएगा। सो फाइनली भाई रुक गया है, मैं उसका ज़रा कवर सेट करता हूँ एंड देन फिर आगे निकलते हैं हम कवर सेट करके। जैसे अभी हमें रुकना पड़ा तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें जो सेना के हेडसेट्स आते हैं ना वो ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे है ना आप दो राइडर्स आपस में इंटरकॉम पे बात कर सकते हो, दो से ज़्यादा भी कर सकते हो। पर हाँ, हमारे लिए तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम मैं शायद एक हेडसेट पे थोड़ा पैसा स्पेंड करूँ। मैं आपको अभी वो पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से हम लास्ट टाइम मुड़ गए थे, ये बस आगे आने वाला है, ये रहा वो पॉइंट, वो जो ब्लू देख रहे हो ना वो 4 महीने जब मई में आया था, आई थिंक 4-5 महीने हो गए उस समय नहीं बन के तैयार था। लेफ्ट साइड से आई थिंक आप जंस्कार चले जाते हो और ये यहाँ से जो राइट मोड़ रहे अपन ले के लिए निकल जाएंगे इधर बारालाचा, टांगलांगला, लाचुंगला, ये सारे पास इधर से ही आते हैं। तो लास्ट टाइम यहीं से रिटर्न हो गए थे क्योंकि प्लान नहीं था आगे जाने का, पर इस बार फाइनली ले जा रहे हैं हम और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं यार इस रूट पे। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या सीन और सीनरी है इधर, सुना है बहुत ही अच्छा रूट है ये।
वक्त हम खड़े हैं दीप ताल पे और सुरजीत कह रहा है अभी मत लाना, वो अभी थोड़ा रेडी हो रहा है और ज़रा इस लेक को देखो। एक्चुअली ताल हिंदी में ताल कहते हैं लेक को ना, राइट सुरजीत? और कुछ ऐसा व्यू है इस लेक का, बहुत ही सुंदर लेक है यार। और जो अगर आप वहाँ दूर देखो जो एक छोटी सी स्ट्रीम है, वो जो ग्लेशियर मेल्ट होती है वो पानी इसी ताल में आता है, तो पानी के कलर अलग अलग है। इधर थोड़ा नीला है, आगे देखोगे तो टर्कोइश भी है और उस साइड शायद ब्लू भी आ गए। वेदर के अकॉर्डिंग और सन के अकॉर्डिंग इस पर जब रोशनी पड़ती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। बहुत ही सुंदर जगह पे है। और अगर ट्रैक की बात करूँ तो आप ये एक्चुअली पूरा सर्कल कवर कर सकते हो चल के, वहाँ से इधर तक ये पूरा रास्ता बना रखा है वॉकिंग का, वॉकर के आप यहाँ तक आ सकते हो सर्कल के एक्चुअली। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बारालाचा पास, जो कि है मात्र आई थिंक आधे घंटे और है, बस आधे घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर हमने फोटोग्राफी कर लिया सब कुछ, बादल वापस आ गए हैं तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। का शोर व्यू, यहीं पे आप इस साइड बाइक लगाते हो और वो देखो हमारा भाई सुरजीत उधर से आते हुए। हम उसी साइड में और आगे तक दूर तक गए थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे, तो अभी भी देख लो थोड़े लोग कम हैं, पर हाँ ये देखो हमारा सुरजीत भाई रैंप वॉक करते हुए लेक के किनारे। यार ये बहुत ही सुंदर लेक है, बेस्ट पार्ट है अभी तक वेल मेंटेन्ड है, यहाँ पर कुछ प्लास्टिक बॉटल्स और ये सब तो नहीं दिखा, तो इसलिए अच्छा लगा कि मुझे क्लीन है। और चेक आउट द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स लाइक वाओ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है इधर से कुछ। तो ये देखो भाई सुरजीत भाई अब हमसे आगे जाते हुए, तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं, कभी मैं आगे आता हूँ कभी वो पीछे आता है, इससे थोड़ा हम टायर्स पे भी ध्यान दे पाते हैं क्योंकि ये टेरेन ऐसा है कि यहाँ पे थोड़े पंचर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उससे एटलीस्ट पता चल जाएगा। वैसे तो मैं पंचर किट भी कैरी करा है, सब कुछ कैरी करा है, सील भी है भाई, वो टेप भी रखा है, डक टेप की सारी पॉसिबिलिटीज सोच ली थी क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर आप इधर आ रहे हो बाइक पे तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। तो हमारे पास हवा भरने की मशीन भी है, पंचर किट भी है, प्लस कुछ एमसील भी रखा है कि कहीं से कुछ लीकेज वीकेज हो तो वो यूज़ कर ले, डक टेप भी रख रखा है। मेरा आगे का व्यू देखो जरा, मतलब इट्स मेस्मराइजिंग व्यू है ये, मतलब दोनों साइड ऐसे पहाड़ हैं, नामो निशान है कोई, मतलब ना जानवर दिख रहे हैं ना कुछ, ना इंसान, बस ये ट्रक्स और हम बाइक और ये साइड में पतली सी कोई नदी है, इट्स अमेजिंग व्यू है। और ऊपर से ये वेदर इतना अच्छा हो रखा है, अभी बहुत लाइट ब्रीज है, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। आई थिंक जब हम थोड़ा और ऑल्टीट्यूड क्लाइम करेंगे तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा विंडी होने के चांसेस है, आई थिंक बारालाचा पे ठंड होगी क्योंकि वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, अंदर शायद बर्फबारी भी हो सकती है क्योंकि बादल है, तो देखते हैं पर क्या सीन होता है। डिस्टेंस की बात करूँ तो मनाली से जो दीपक ताल है वो कुछ अराउंड 110 किलोमीटर्स है, एंड जो अभी हम दीपक ताल से हम जो जा रहे हैं सूरज ताल वो अराउंड 28 किलोमीटर है, और अराउंड 2 किलोमीटर और ये 3-4 किलोमीटर आगे जाओगे तो बारालाचा है। तो सूरज ताल से बारालाचा बहुत ही पास है, 3-4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, और फिलहाल रोड्स तो बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, तो सुना है बारालाचा तक रोड अच्छा है। एंड वंस यू क्रॉस बारालाचा तो आई थिंक 4-5 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता थोड़ा ख़राब है, मतलब बहुत ही ख़राब है, एंड उसके बाद लोग मुझे बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा रास्ता, तो आप बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर करोगे बहुत ही कम टाइम में। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है।
फिर से एक और झुंड मिल गई। अभी एक पीछे छोड़ा था हमने और यहाँ पर ये वापस से आ गए और ट्रैफिक को हॉल्ट कर दिया है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ। अरे भाई बहुत सारे हैं, जनरली हज़ारों में चलते हैं एक साथ, मैंने पहाड़ों में देखा है। अरे ये रेलिंग है, कुछ उस साइड से भी निकल के आ रहे हैं। ये देखो भाई एक निकला, जो रास्ता भटक गया उधर वाली ट्रैफिक, उधर वाली पब्लिक नीचे नीचे से वहाँ से निकल के आ रही है उत्तरी। ये देखो भाई बिल्कुल एज पे हैं। ये एक और निकला भाई साहब, ये पब्लिक अटक गई है, उत्तरी किधर से निकले किधर से निकले। ये एक और निकला, ये एक और, अब इन्हें पता लग गया अभी वो कहीं एक नीचे ना गिर जाए भाई साहब। ये देखो उत्तरी, ये एक जंप भी कर गए यहाँ तो, खतरनाक भाई। यही जी रहे इधर जीवन। हम अभी रुके हैं क्योंकि जैकेट की ज़रूरत पड़ गई, विंड बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, ठंड भी पड़ गई है। और आपको दिखाता हूँ इधर, यह है सूरज ताल, इधर देखो मज़ा आ गया। अभी हम सीता कल पे रुके थे कुछ देर पहले, अब सूरज ताल पे हैं। बारा लता पास यहाँ से अब कुछ 3-4 किलोमीटर बचा है। सूरज ताल बहुत ईजीली एक्सेसिबल है और यहाँ के लिए आई थिंक शायद आगे से नीचे जाने का, ऊपर जो कुछ दिख रहा नहीं है तो यहाँ पे जाना मुश्किल है, इसलिए भीड़ कम है। पर हाँ इसका भी पानी का कलर अलग अलग है, आप देखो तो नीचे का ब्लू होता है और ऊपर देखो बादल चारों तरफ है। तो हम यहाँ से सीधे बारालाचा रुकेंगे, बारालाचा पे ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं है, चलो आगे बारालाचा पे मिलते हैं। गाइज फाइनली हम बारालाचा पहुंच गए और हालत ख़राब है क्योंकि थोड़ी स्नो भी हो रही है, देखो तो अगर आपको दिख रहा हूँ। सचिन भी फुल तैयारी में, अभी वेदर ख़राब है अगर कहूँ तो। पर हाँ भाई मेरी ज़िंदगी का ये अभी तक का बेस्ट, अभी तक यहाँ तक जो पहुँचा हूँ बेस्ट ट्रिप है। हवा बहुत तेज़ है तो आई डोंट नो माइक पे वॉइस क्लियर है या नहीं, पर हाँ ये रहा 4805 मीटर्स पे। यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और हाँ यहाँ कहा जाता है कि आप 10-15 मिनट से ज़्यादा मत रुको क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। और एक्चुअली मैं थोड़ा फील कर लूँ कि हाँ थोड़ा ऑक्सीजन कम है यहाँ, देश के लोग नहीं सुधरने वाले। यहाँ पे भी देखो प्लास्टिक बॉटल्स भरे हुए हैं, नहीं मानेंगे अपने देश के लोग, कुछ करा नहीं जा सकता। अब बस कुछ फोटोग्राफी करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। गाइस ये स्नो कम बारिश चल रही है, एक्चुअली वो स्नोइंग रे पर हाँ टेम्परेचर इतना भी लो नहीं है कि वो प्रॉपर रहे तो बारिश की बूंद बन जा रही है। और ज़रा मेरी हालत देखो यार, कैसे इस रास्ते पे चल रहे हैं फिलहाल। चेक दिस आउट, गाइस आप ये साइड व्यू एंजॉय करो और ज़रा यहाँ थोड़े रास्ते की हालत देखो। एक तो ये बारिश हो रही है जिसके कारण थोड़ा हमें स्लो चलना पड़ रहा है, और स्लो चलने का दूसरा कारण यह है कि रास्ता यहाँ ख़राब है। जो मैंने आपको बताया था कि बारालाचा के पास ख़राब है, वो एक्चुअल में तो बहुत ही ख़राब है। ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, काम चल रहा है पर हाँ बहुत स्लो है, टेराइन बहुत ही टफ है इधर, ऊपर से बारिश तो इसलिए मुश्किल है। और काफ़ी पतला रास्ता यहाँ है, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे देखो देख रहा हूँ नीचे जहाँ आई थी वो एक नदी है, शायद हमें शायद नीचे ही उतर के जाना है क्योंकि आगे वहाँ पे वापस आया है ख़राब रास्ता। यहाँ पे ना बाइक बिल्कुल धीरे आराम से निकालो क्योंकि यहाँ पे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब बारिश हो। मैं तो रिस्क नहीं लेता, बहुत ही आराम से निकालता हूँ क्योंकि ये ग्रेवल है और यहाँ पे आप स्किड कर सकते हो। और स्किड करो और ज़रा राइड को देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ शिट यहाँ बहुत नीचे है तो हमें उधर ही शायद नीचे उतरना है या आगे नीचे उतरना है।
आई डोंट नो, पर हम चले जा रहे हैं। और ये रास्ता देखो, इस पर आप 10-15 के ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकते हो। सामने देखो तो यार बादल अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो आई थिंक उधर भी बारिश है ही है। तो अभी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं तो थोड़ी बारिश कम स्नो चल रहा है, नीचे जाएंगे तो शायद तेज़ बारिश ना हो। और यदि कैमरा पे अगर बूंदें आ रही होंगी तो उसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, कितना भी वाइप कर लूँ वापस से उस पर बूंदें आ ही। और ये देखो भाई, एक पत्थर गिरा हुआ है यहाँ पर। और ये ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा भाई, रुक जाओ, बेस्ट पार्टी है मैं तो रुक जाता हूँ। ये देखो रुक गया, इनको जाने दो, इनसे पंगा नहीं लेता। ये देखो यार, ये फ्रेश गिरा है, ये पक्का अभी लेफ्ट साइड से ऊपर से कहीं से आया है। तो ये एक डेंजरस चीज़ हो जाती है इस बारिश के मौसम में, लैंडस्लाइड्स है ना, थोड़े तो पड़ जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा डर और ध्यान रखना पड़ता है। ये लो जी, यहाँ पर ट्रैफिक रुका पड़ा है। और सुरजीत नहीं दिख रहा मुझे, कई देर से मेरे पीछे आ रहा था, रुक गया बंदा लग रहा कहीं, उतर कर देख कर आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। नहीं, बाइक लगाता और जाता हूँ, या थोड़ा भी आगे जाता हूँ और ट्रक के थोड़ा पहले पीछे लगाता हूँ और यहाँ साइड में बाइक खड़ी करता हूँ। और चलो भाई देख के आते हैं अपना भाई कहाँ रह गया। Many minutes later. ये देखो सुरजीत भाई यहाँ टेंट के अंदर बैठ के रिलैक्स करते हुए और बिस्किट और चाय गटकते हुए। एक तो दे दे भाई, खाली सारी अटक गया तो खाता नहीं है, रुकता नहीं है खाने के लिए, जाता है भाई तो जूते खिले हो गए। और हमारी गर्मा गर्म मैगी भी आ गई है, मोटू ने तो ख़त्म भी कर लिया यार, इतनी जल्दी खा रहा है यार तू। भाई तू अपना ब्लॉग बनाएगा तो बिजी रहेगा, मैं खाली ब्लॉगर तो हूँ नहीं। मोटू ने सब गटक लिया है, यहाँ पर अभी यही ऑप्शन है, यहाँ पर ज़्यादा टेंट्स खुले भी नहीं है। सीज़न ख़त्म हो रहा है तो भैया अभी जाने वाले हैं, बता रहे हैं कि अब ये कुछ दिनों में यहाँ बंद हो जाएगा, फिर यहाँ चारों ओर बर्फ़ गिर जाएगी, अब तो ये बंद हो जाएगा एंड देन मई एंड कह रहे हैं भैया खुलती है एंड